वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड एंड एन्जॉइंग योर हॉलीडे विद दिस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट और जंक फूड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप जो डेली फूड खाते हैं, आपका रेगुलर फूड, ये डाइट कहलाता है। क्या आपको पता है कि आपकी ये डाइट बैलेंस है या नहीं? तो इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सफिशियंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और इसके साथ ही रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या रखना है, आप इसे चार्ट में देख सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ किस अमाउंट में लेनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जंक फूड की बात कर लेते हैं। जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट, शुगर, कैलोरी और सोडियम होते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हम लोग अक्सर पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खाते रहते हैं। ये खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर, सॉल्ट और फैट होता है, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे। यस, डेफिनेटली इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ओबेसिटी, लैक ऑफ एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमें जंक फूड की वजह से हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और अपनी डाइट में हमेशा बैलेंस डाइट मींस हेल्दी डाइट को रखना चाहिए, ना कि जंक फूड को।